आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो की एक 2 किलोमीटर की लाइन का उद्घाटन किया। ये लाइन सेक्टर 21 द्वारका से यशोभूमि कॉम्प्लेक्स तक जाती है। और हमें इस बात का बहुत दुख है कि प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली मेट्रो के इस लाइन के उद्घाटन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बुलाने का भी नहीं सोचा, जबकि दिल्ली मेट्रो केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का एक जॉइंट वेंचर है। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये आज का जॉइंट वेंचर है। जिस दिन से DMRC बना है उसमें आधा पैसा केंद्र सरकार का लगता है, आधा पैसा दिल्ली सरकार का लगता है। और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के इस समन्वय से ही दिल्ली मेट्रो जैसा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में खड़ा हुआ है। ये बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो ये कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, ये भी नहीं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, वो कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। G20 के सम्मेलन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से हैं। तो जो दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार को चला रहे हैं, एक 2 किलोमीटर की मेट्रो लाइन के उद्घाटन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं बुला सकते थे क्या? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको पार्टी लाइन से ऊपर उठना चाहिए। आप हर राज्य सरकार के गार्जियन हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। लेकिन अगर आप DMRC जैसे संस्था के उद्घाटन के लिए, जहां पे दिल्ली सरकार का भी पैसा लगा हुआ है, उसमें अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाते, तो ये बहुत छोटी सोच दर्शाता है। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, अगर दिल्ली का विकास हमें करना है तो केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को ये विकास मिलकर करना होगा। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, लेकिन एक बड़े की तरह, एक गार्डियन की तरह प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो दिल्ली की सरकार को भी अपने साथ लेकर चले। एक 2 किलोमीटर की मेट्रो लाइन का उद्घाटन जब वो अकेले करने के लिए जाते हैं, तो ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी शोभा नहीं देता। धन्यवाद। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि नहीं बुलाया गया, देखिए ये दुख की बात है। मैंने जैसा कहा कि ये प्रधानमंत्री के पद को गरिमा नहीं देता। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उसको साथ लेके चलना प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है। और खास करके DMRC जैसी चीज में, दिल्ली मेट्रो में, जहाँ पे केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की 50-50 भागीदारी रही है, आधा पैसा केंद्र सरकार से आता है, आधा पैसा दिल्ली सरकार से आता है, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक 2 किलोमीटर की लाइन के उद्घाटन के लिए कहते हैं कि नहीं सिर्फ मैं करूंगा, तो ये प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा को शोभा नहीं देता। मैम एक और इशू है, पॉलिटिकल इशू, जो एंकर्स बैन किए गए इंडिया लाइंस की तरफ से, उसमें नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो मीडिया की आजादी का समर्थन करते हैं, इस तरह से उन्होंने बयान दिया। देखिए हम भी मीडिया की आजादी का समर्थन करते हैं, लेकिन मीडिया को हमारी आज़ादी का भी समर्थन करना होगा। हम किस चैनल पे जाएं, हम किस चैनल पे ना जाएं, इसकी आज़ादी तो हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर व्यक्ति को होनी होगी कि हम हमारी भी आज़ादी है कि हम किस चैनल पर अपीयर हो, किस एंकर के प्रोग्राम पर अपीयर हो, इस पर कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता।
थैंक यू।